सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाल्को एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2002 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें एक पीआईएल फाइल हुई थी जो बाल्को में डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा था उसके खिलाफ। बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1960 के दशक में भारत सरकार ने बनाई थी, और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कहिए या पब्लिक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कहिए, ये कंपनी सरकार की थी। और 90 के दशक में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देश में होने लगे, तो उस समय जो गवर्नमेंट का एक डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन बना, ताकि जो गवर्नमेंट की जो कंपनी जो घाटे में है या जो गवर्नमेंट को लगता है कि जिसमें उनका जो शेयर होल्डर जो परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा है, उसमें किस किस में डिस इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और कितना किया जा सकता है, वो कमीशन बैठाया गया था। कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि इसमें डिस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो बाल्को में डिस इन्वेस्टमेंट की बात हुई और उसके लिए फिर जो एडवर्टाइजमेंट हुई, और जो प्राइवेट कंपनी जो इंटरेस्टेड कंपनीज थी वो उसमें अपनी अपनी जो है बिड लेकर के आई, और उसमें सटरलिंग कंपनी को जो है अल्टीमेटली 51% उसका जो शेयर होल्डर बनाया गया, यानी कि जो शेयर था गवर्नमेंट का वो 51% जो है स्टर्लिंग कंपनी को ट्रांसफर किया गया। अब जब ये हुआ तो ये सब जो है राज्यसभा और लोकसभा में डिस्कस हुआ था, और वहाँ पर सब कुछ रिजोल्यूशन पास होने के बाद, यानी शुरू में कैबिनेट के पास फिर पार्लियामेंट में, तो उसके बाद ये डिस इन्वेस्टमेंट हुआ। उधर से जो बाल्को के जो एम्प्लॉयज थे उनकी यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन फाइल की। उनका कंटेंशन ये था कि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 की वॉयलेटिव है बाल्को एम्प्लॉयज यूनियन की, क्योंकि वो सरकार के यानी कि एक सरकारी कंपनी के जो है जो स्टेट के अंदर फॉल करती है उसके एम्प्लॉयज है, और उसको अगर वो अगर प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, 51% जो है प्राइवेट कंपनी के पास स्टेक्स आ जाएंगे, तो उसके बाद वो जो 14 और 16 दोनों अनुच्छेद हैं उनका प्रोटेक्शन उनको मिलना बंद हो जाएगा। दूसरा उसमें ये भी कहा गया कि जब डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इम्प्लॉयज को भी 5% उसमें जो है स्टेक मिलना चाहिए, एम्प्लॉय यूनियन को या इम्प्लॉयज एज ए कलेक्टिव। उसके अलावा उनका ये भी था कि जब डिसइन्वेस्टमेंट हो तो पहले जो है एम्प्लॉय यूनियन को बोर्ड पे लिया जाए, उनसे डिस्कस किया जाए, उसके बाद ही डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सरकार के अपने आर्ग्यूमेंट थे, सरकार का कहना था कि पहली बात तो ये है सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है इंटरफियर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक पॉलिसी से संबंधित है और इसमें गवर्नमेंट की जो विजडम है उस पर जो है क्वेश्चन मार्क, यानी उसका जो जुडिशियल रिव्यू और सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। दूसरा ये भी था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है वो ओवरऑल जो कंपनी का जो कंपनी जब बनाई गई थी उस समय क्या पब्लिक इंटरेस्ट में था, आज पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट करना अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो सरकार पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए ये करेगी। इसमें जब डिस्कशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का वैलिडिटी नहीं है, और डिस इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। दूसरा ये कि इकोनॉमिक जो पॉलिसी से संबंधित जो डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, यानी कि जो पब्लिक कंपनी थी बाल्को, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है ना वो गवर्नमेंट सर्वेंट से सुपीरियर नहीं हो सकते, उतने ही हैं जितने किसी गवर्नमेंट सुपीरियर के हैं। दूसरा ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार ऐसे डिसीजन ले सकती है, और इस केस में ये भी कहा गया कि जो सरकार के जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, जहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी के डिसीजन होते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस केस में जब ये केस फाइल हुआ था तो ये इन लिमिने ही डिसमिसल हो गया था, यानी कि इस पे डिटेल में हियरिंग नहीं हुई,
क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा कि इस मैटर में कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। जब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर उसमें एक डिटेल जजमेंट या डिटेल हियरिंग का सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। और ये ऐसा केस था जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उनको इन लिमने यानी कि शुरुआती दौर में ही बिना कोई डिटेल हियरिंग के डिसमिस करना शुरू किया। ये एक नया पक्ष पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो है जुड़ा इस बालको एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस के द्वारा, क्योंकि बहुत से ऐसे जो पीआईएल डाले जाते थे जिसमें हिडन इंटरेस्ट पर्सनल होते थे, दिखाया पब्लिक इंटरेस्ट जाता था। अगर जो शुरुआती दौर में ही जब इनिशियल हियरिंग होती है तब अगर जो पेटिशनर्स हैं ये नहीं दिखा पाए कि इसमें सब्सटेंशियल जो पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, अगर वो ये दिखाने में नाकामयाब रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी पेटिशंस को इन लिमिने डिसमिस कर सकता है।